हेलो माय डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू टुडे आई एम योर मैथ्स टीचर नुपुर कुलहरी प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.1 चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम क्लास टेंथ के क्वेश्चन नंबर वन टू एंड थ्री करे थे इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर फोर फाइव एंड सिक्स करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के साथ क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड सेवन सेंटीमीटर देखिए हमें एक क्यूबिकल ब्लॉक दिया हुआ है क्यूब दिया हुआ है बेसिकली जिसकी एज जो है डेट इज सेवन सेंटीमीटर इज सर मोन्टेड बाई अमिस्पियर इसके ऊपर क्या है एक इज द ग्रेटेस्ट द डाटर कैन हैव की ग्रेटेस्ट है क्या हो सकती है जब ये क्यूब के ऊपर है फाइंड द सर्फेस एरिया ऑफ द सॉलिड फिर हमें क्या निकालना है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ग्रेटेस्ट डायामीटर जो कि हेमिस्पेयर की हो सकती है ये देखिए जब अपन इसके टॉप फेस की बात करते हैं तो वो एक स्क्वायर के शेप का है ठीक है और इसकी एज हमें कितनी दी हुई है सेवन सेंटीमीटर ग्रेटेस्ट डायामीटर कितना हो सकता है हेमिस्पेयर का जब तो अपन देखते हैं जब बेस ऑफ हेमिसपेयर है वो सर्कल के शेप का है वॉट इज द शेप ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्पेयर इज द शेप ऑफ अ सर्कल ठीक है और सर्कल की मैक्सिमम डायामीटर यहां पे कितनी हो सकती है एज ऑफ द क्यूब के बराबर डेट इज सेवन सेंटीमीटर तो इसका आंसर क्या आएंगे ग्रेटेस्ट डायामीटर कितनी हो सकती है ग्रेटेस्ट डायामीटर इज सेवन सेंटीमीटर तो ग्रेटेस्ट डायामीटर ऑफ़ द हेमिसफेयर कितना हो सकता है सेवन सेंटीमीटर नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है फाइंड द सर्फेस एरिया ऑफ द सॉलिड ये जो सॉलिड हमें गिवन है इसका हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो देखिए वो कैसे आएगा चलिए इसका भी अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं कुछ स्पेस बना के सेम एग्जाम्पल जैसा है ये तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड आ जाएगा देखिए हमारे पास सबसे पहले तो टोटल सरफेस एरिया किसका आएगा क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस टॉप पर क्या है हेमिसपेयर का कर्व सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्पीयर अब देखिए इसके अंदर अभी बताया आपको जैसे कि ये हमारे क्यूब का फेस है उसके ऊपर हेमिसफेयर इस तरह से तो ये वाला जो एरिया है ये हमें क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा और ये किस शेप का है सर्कल के शेप का है माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है चलिए तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है सिक्स ए स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्पीयर टू पाई आर स्क्वायर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमस्पियर सर्कल के शेप का है सो इट इज पाई आर स्क्वायर इट बिकम सिक्स ए स्क्वायर प्लस टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर ठीक है अब देखिए इसमें जो एज है वो कितनी गिवन है हमें सेवन सेंटीमीटर तो ए हम सेवन रख देते हैं सेवन स्क्वायर प्लस ट्वेंटी टू अपॉन सेवन रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ पे देखिए अगर इसका डाया सेवन है तो रेडियस इज सेवन अपॉन टू इंटू सेवन अपॉन टू सॉल्व कर लेते हैं सेवन सेवन कट गया सिक्स इंटू फोर्टी नाइन प्लस ये देखिए ये यहाँ पे क्या हो रहा है ट्वेंटी टू इंटू सेवन ये टू वन ज टू और ये इलेवन इलेवन इंटू सेवन अपॉन टू सिक्स नाइन ज फिफ्टी फोर कैरी फाइव सिक्स फोर जै ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फोर में अपन ने फाइव जोड़े तो ट्वेंटी नाइन टू हंड्रेड नाइन्टी फोर हो गया ये तो प्लस इलेवन इंटू सेवन इज सेवेंटी सेवन अपॉन टू सॉल्व कर लेते हैं अपन टू हंड्रेड नाइन्टी फोर प्लस टू थ्री ज़ा सिक्स कैरी वन टू एट ज़ा सिक्सटीन पॉइंट फाइव दोनों को ऐड करेंगे तब कितना आ जाएगा हमारे पास पॉइंट फाइव और एट प्लस फोर हमारे पास ट्वेल्व टेन थर्टीन वन और ये थ्री हंड्रेड थर्टी टू पॉइंट फाइव किस में आएगा थ्री हंड्रेड थर्टी टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया ये हमारा टोटल सरफेस एरिया जो भी हमें गिवन सॉलिड है ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है हेमिस्पेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था हेमिस्पीयर जो था वो क्यूब के ऊपर था अप था इस वाले केस में क्या है एक क्यूब जो है ये सपोज अपन क्यूब बना लेते हैं इसमें इसमें से हेमिस्पेरिकल पोर्शन किसी भी एक फेस से बाहर निकाल लिया गया है ठीक है फिर क्या कह रहा है सच डेट द डायामीटर एल ऑफ द हेमिसफियर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब इसका जो डायामीटर है एल वो इसकी एज ए के बराबर है इस तरह से मान लेते एच को अपन ए मानते हैं तो डायामीटर एल इज इक्वल टू एच ऑफ द क्यूब ठीक है फिर क्या कह रहा है डिटरमाइन द सर्फेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड जो हमारे पास रिमेनिंग सॉलिड है उसका हमें सरफे एरिया फाइंड आउट करना है तो चलिए देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या बच गया है अब सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका वो लिख लेते हैं कैसे फाइंड आउट होएगा थोड़ा सा स्पेस बना के क्या -क्या है इसके अंदर सबसे पहले तो टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ठीक है प्लस अब देखिए ये डिप्रेशन जो आ रहा है इसके अंदर वो हैमिस्पियर के कर्व सरफेस एरिया की तरह है है कि नहीं है तो इसमें क्या आ जाएगा प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हैमिस्पियर माइनस क्या होगा इसके अंदर से टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो क्यूब है उसमें अपन अपने क्या किया था ये वाला फेस भी एड कर लिया था लेकिन अपने को ये जो सर्कल वाला फेस है इसको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा तो माइनस बेस एरिया ऑफ है ठीक है चलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब सिक्स ए स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिसफीर टू पाई आर स्क्वायर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिसफेर जो बेस है हेमिसफेयर का वो किस शेप का है सर्कल के शेप का सो पाई आर स्क्वायर सो इट बिकम्स ए स्क्वायर प्लस टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर सो इट इज पाई आर स्क्वायर देखिए अब स्टार्टिंग में एक चीज दी हुई थी जो डायमीटर एल था इसका वो किसके बराबर था ए के तो ए की जगह हम क्या अप कर सकते हैं एल ठीक है ए की जगह तो हम अप कर देंगे एल या फिर और अपने को क्या करना है रेडियस जो है वो क्या हो जाएगी एल अपॉन टू होगी कि नहीं होगी तो रेडियस की जगह भी हम क्या रख देंगे एल अपॉन टू तो सिक्स टाइम ए की जगह क्या रखना है हमें एल एल स्क्वायर प्लस पाई आर की जगह क्या रखना है एल अपॉन टू तो एल स्क्वायर अपन फोर ठीक है यह कॉमन आ रहा है इसके अंदर पहले तो अपन एलसीएम ले लेते हैं इसका ठीक है एलसीएम में फोर सिक्स फोर जो ट्वेंटी फोर एल स्क्वा प्लस पाई एल स्क्वायर अब ले लीजिए कॉमन एल अपॉन फोर कॉमन आ गया तो क्या बचा देखिए यहाँ पे ट्वेंटी फोर प्लस पाई इसी फॉर्म में आंसर लिखना है हमें ठीक है ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग सॉलिड है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सिक्स अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर एक कैप्सूल है कैप्सूल हम सब लेते हैं दवाई वो किस शेप की है सिलेंडर की है विथ टू हेमिसफियर स्टक टू इट्स एंड जिसके दो एंड पे क्या लगे हुए हैं हमारे पास हैमिस्पियर है जैसे कि हमने फ़र्स्ट एग्जाम्पल देखा था सिलेंडर के साइड में दो हैमिस्फेयर अटैच थे फिर हमने रिजल्टिंग उसका निकाला था सरफेस एरिया द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज़ 14 एम mm. एम पूरी कैप्सूल की लेंथ कितनी दी हुई है फोटीन एम एम एंड द डाया ऑफ द कैप्सूल इज़ 5 एम एम ऑफ द कैप्सूल कितना दिया हुआ है फाइव एम एम फाइंडेस एरिया हमें surface area इसका फाइंड आउट करना है ठीक है तो ये भी अपन निकाल लेते हैं बहुत है ये भी देखिए इसमें हमें क्या क्या जीवन है सबसे पहले तो हमें इसकी पूरी एंटायर लेंथ जो है हाइट है वो हमें दी हुई है फोर्टीन एम एम है ना सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी फिर ये अपन पहले फाइंड आउट कर लेते हैं तो सिलेंडर की हाइट निकालने के लिए हमें ये जो साइड के हिस्से हैं इन्हें माइनस करना पड़ेगा और ये क्या है हमारे पास रेडियस है एक तरह से किसकी हेमिसपियर की हमें हेमिसफियर का डायामीटर गिवन है कितना गिवन है डायामीटर ऑफ हेमस्पियर फटाफट से देखकर बताइए फाइव एम एम गिवन है तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा फाइव अपॉइंट टू एम एम होगा कि नहीं होगा ठीक है चलिए दोनों साइड से अपने को फाइव अपॉइंट टू फाइव अपॉइंट टू माइनस करना पड़ेगा तो हाइट ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर एच कितनी आएगी हमारे पास फोर्टीन माइनस कंप्लीट फोर्टीन में से टू टाइम्स फाइव अपॉन टू भाई दो बार करनी है ना तो टू टाइम्स कर लेते हैं टू गेट्स कैंसल्ड बाय टू एंड व्हाट इज फोर्टीन माइनस फाइव नाइन नाइन सेंटी मीटर क्या आई है ये हाइट ऑफ सिलेंडर चलिए अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो क्या होगा इसके अंदर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल कैसे आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमस्फियर दिस प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अनादर हेमिसफियर ठीक है तो देखिए एक चीज में नोट करने वाली है कि ये वाला हेमिसफियर और ये वाला हेमिसफियर बिल्कुल सेम है कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर तो इनको अपन दो बार ऐड करने की जगह टू टाइम्स ले सकते हैं टू टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर चलिए आ जाइए टू टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिसफेयर टू पाई आर स्क्वेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टू पाई आर एच क्योंकि रेडियस दोनों के इधर सेम ही है ठीक है कॉमन क्या क्या आ रहा है इसके अंदर देखिए तो टू कॉमन आ रहा है इसके अंदर ठीक है पाई कॉमन आ गया है इसके अंदर इसके अंदर आर कॉमन आ गया है क्या बचा एक तो ये वाला टू बचा ठीक है टू पाई ऑलरेडी बाहर है एक आर बाहर है तो टू आर प्लस टू पाई आर तो बाहर है ही एच इज लेफ्ट वैल्यू पुटअप कर दीजिए इसके अंदर टू इंटू ट्वेंटी टू अपॉन सेवन इंटू रेडियस कितनी है इसके अंदर फाइव अपॉइंट टू रख दीजिए तो फाइव अपॉइंट टू है तो टू टाइम्स अगेन फाइव अपॉइंट टू प्लस हाइट कितनी निकाली है अपन ने नाइन कुछ कैंसिल हो रहा है इसके अंदर फटाफट से देख लीजिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे टू से टू कैंसिल हो गया यहाँ पे भी टू से टू कैंसिल हो गया ट्वेंटी टू इंटू फाइव इज वन हंड्रेड टेन अपॉन सेवन और ये देखिए फाइव प्लस नाइन कितना हो गया हमारे पास वन वन ज़ीरो अपॉन सेवन फाइव प्लस नाइन इज़ फोर्टीन कुछ कैंसिल हो रहा है सेवन वन 7 सेवन सेवन टू ज फोर्टीन ना वन हंड्रेड टेन इंटू टू कितना आ गया ये टू जीरो ज़ीरो टू वन जो टू टू वन जा टू टू हंड्रेड ट्वेंटी एम एम स्क्वायर क्योंकि हमारे जो यूनिट्स थी सबकी किस्में दी हुई है एम में दी हुई है सो आंसर इज 220 हंड्रेड mm स्क्वायर तो इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर फोर फाइव एंड सिक्स किए हैं नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे तब तक स्टडी हार्ड टेक केयर